इडिडियम स्पार्क प्लग और टायर पॉलिश। तो देख सकते हो यहाँ से ये अपनी मीटर केबल जो टूट गई। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देख लिया कि आपने इरिडियम स्पार्क प्लग अपने बाइक में इंस्टॉल कर दिए है। अब ये देखते हैं यहाँ पे कि आपको फिर से स्पार्क प्लग दिखा देता हूँ सब, को भी प्राइस भी बता देता हूँ यहाँ से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉबडिंगल। तो जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि आज हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं आपको इडिडियम स्पार्क प्लग और टायर पॉलिश भी लगाएंगे और अपनी मीटर केबल ख़राब हो चुकी मीटर केबल भी चेंज करने वाले हैं। तो मीटर केबल चेंज करने के लिए अपने को वाइजर खोलना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, ज़्यादा झमेला बन जाता है। उसके लिए आपको बता देता हूँ किस तरह से चेंज करना है मीटर केबल। सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ से तो जा रही अपनी मीटर केबल, यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा। यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से तो ये मीटर केबल निकल जाएगी और दूसरी वाली मीटर केबल इसे मैं लगा दूँगा, ठीक है। तो मैं ये चेंज कर रही है, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। वो टूटी वाली है, टूटी वाली किस तरह से टूटी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से तो जो केबल है तो ये टूट गई है, तो किस तरह से टूटी हुई मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ से ये अपनी मीटर केबल जो टूट गई, यहाँ पे इतना हिस्सा इसका टूट गया। तो मैं न्यू वाली लेके आया, तो न्यू वाली इसमें फ़िट कर दिया और किस तरह से फिट करना है वो भी आपको इसके पहले मैं बता दिया कि सिर्फ मीटर में से लूज़ करना है और नीचे जो गियर रहता है वहाँ से लूज़ करना है। तो अभी दूसरा काम है अपना, ये है अपना इरिडियम स्पार्क प्लग। तो इससे पहले भी आपने इरिडियम स्पार्क प्लग यूज़ किया उसके ऊपर वीडियो है, अभी आपको उसका थंबनेल दिखा देता हूँ वीडियो का। इसकी आपको अभी प्राइस भी बता देता हूँ यहाँ से, 830 रुपये की प्राइस है इरिडियम स्पार्क प्लग। और अभी मेरे पास इससे पहले जो मैंने ख़राब किया था स्पार्क प्लग वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर इतने सारे स्पार्क प्लग हैं, ये देखिए। तो इसमें इरिडियम स्पार्क प्लग ये रहा, तो ये भी देख सकते हो। ये देखिए इरिडियम स्पार्क प्लग, तो ये पूरा ख़राब कर दिया मैंने। तो किस तरह से ख़राब हो गया मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ज़्यादा ऑयल करने की वजह से बाइक में थोड़ा क्या बोलते हैं अपना, बाइक में ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की वजह से स्पार्क प्लग अपना जो ज़्यादा काला हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसे क्या किया, तो गैस के ऊपर इसको जला दिया था। तो ज़्यादा जल जाने की वजह से इसके अंदर के जो मेन पार्ट रहते हैं वो ख़राब हो गए, जिसकी वजह से अपने स्पार्क प्लग जो है ख़राब हो गया इरिडियम। अभी आपको न्यू वाला भी दिखाता हूँ। ये सब ये देखिए NGK का है, ये भी NGK का है, इरिडियम है ये, मगर ये बॉस्को का है, ये भी वही है, इसमें चैम्पियन पावर। तो अच्छे खासे स्पार्क प्लग मैंने यूज़ कर चुका हूँ अपनी बाइक में, ज़्यादातर बॉस्को के हैं, बुशा के हैं। NGK का एक बार ही यूज़ किया है, इरिडियम एक यूज़ किया NGK का, और सारे इरिडियम लेके आई हूँ वाला पैक, अभी तक खोला नहीं, दिखाऊंगा आपको खोल के। ये इरिडियम साइज में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा, R6 रहता है, R6 R7, ये 7 है, ये 6 है, 5 है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है, देखते हैं अभी साइज़ में क्या क्या फ़र्क है साइज़ में इनके, सबको लगा देता हूँ लाइन से। तो ये सब लोग स्पार्क प्लग सब वर्किंग है, देख सकते हो इतने सारे हैं, ब्लर क्या हो रहा है बार बार। तो इतने सारे स्पार्क प्लग अपने यूज़ किए, इससे ज़्यादा यूज़ किए तो मैं सड़ देता हूँ कभी कभी, मगर ये जमा किया अगर कुछ जमा किया था इसमें से, तो ये रहे इसमें हैं कि कुछ नहीं, इसमें खाली इतनी है। तो ये इरिडियम है, ये बॉस्को का, ये भी सॉरी ये भी NGK का, ये भी ये इरिडियम है NGK का, बॉस्को बुशा का है, एक चैम्पियन का, ये भी दो बुशा के। तो साइज सब की सेम है, आप देख सकते हो, यहाँ का थोड़ा इसका चैम्पियन का ये थोड़ा साइज़ बड़ा है, बाकी यहाँ तक तो सेम है, ये थोड़ा
तीनों थोड़ा हेवी लगते हैं। निकालते हैं अपना न्यू वाला स्पार्क प्लग। ये है इरिडियम स्पार्क प्लग, देख सकते हो। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसकी प्राइस तो आपको दिखा दिया, और एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देख लीजिए। अबे भाई मत हो यार, ये देखिए, ये है कितने का, देख लिया ना, तो बोलने की ज़रूरत है नहीं ना, ठीक। इसको खोलते हैं अभी। आज ब्लर बहुत हो रहा है यार, फोकस बहुत कर रहा है, क्यों क्या पता नहीं अपना कैमरे क्या हो गया आज। ये देखिए ब्रांड न्यू इरिडियम स्पार्क प्लग। तो इरिडियम स्पार्क प्लग पहचानने का तरीका है कि इसके नीचे की जो जगह है जहाँ पे स्पार्क होता है, एकदम बारीक सुई जैसा रहता है। देखिए, देख रहे हो, एकदम बारीक सुई के जैसे, एकदम बारीक। और अगर आप सादा वाला स्पार्क प्लग लिएगो तो देखिए उसके नीचे कितना मोटा है, थोड़ा गंदा हो गया, साफ कर दिया इसको। ये देखिए कितना मोटा है वाला हिस्सा। और इरिडियम का दिखाता हूँ, ये ख़राब वाला भी इरिडियम देखेंगे आप, ये मैंने ख़राब कर दिया, इसका भी कितना बारीक है, ठीक है। तो चलिए हम लगा देते हैं इरिडियम स्पार्क प्लग, और क्या फ़र्क पड़ता है इससे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले निकालते हैं अपना पुराना वाला स्पार्क प्लग। तो फ्रेंड्स चलिए निकालते हैं अपना पुराना वाला स्पार्क प्लग, और उसकी भी हालत आपको बता देते हैं। तो इस तरह के पाना लगेगा अपने, वो स्पार्क प्लग अच्छी हालत है, माइलेज वाला ठीक रहा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, तो ब्लैक तो हो गया मगर इतना ब्लैक नहीं है, सही है, ब्राउनिश टाइप का है, सही हालत है इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना इरिडियम वाला स्पार्क प्लग बिठाते हैं न्यू सुजुकी शोगन में। इरिडियम स्पार्क प्लग बैठ गया। कैप भी हो गई है फिट। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देख लिया कि आपने इरिडियम स्पार्क प्लग अपने बाइक में इंस्टॉल कर दिए, अब ये देखते हैं यहाँ पे, देखिए आपको फिर से स्पार्क प्लग दिखा देता हूँ सब। इसमें से एक ही इरिडियम है ये वाला, और ये सब सादे वाले स्पार्क प्लग हैं। तो इसकी प्राइस है 830 रुपये, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 की मिला के हो जाएगी 700, या अकेले की है 830 रुपये। अभी भी आपने जो बताया उसकी प्राइस वही 830 रुपये, 30 रुपये कम कर देते हैं, 800 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इरिडियम स्पार्क प्लग भी बिठा लिए अभी हम। तो चलिए सुनिए इरिडियम स्पार्क प्लग वाला साउंड।